हालेलुया। तो आज विशेषकर बड़ी बड़ी बीमारियों की चंगाई के लिए प्रार्थना हो जाएगी। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करो, इधर उधर मत घूमिए, इधर उधर मत ध्यान लगाइए, कहीं भी कुछ यहाँ पे बैठ के कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना ध्यान यीशु की ओर लगा के कैसे प्रभु की आत्मा आपको प्रेरणा दे रही है वैसे ही आप प्रभु की स्तुति करो। ये मत देखो कोई मुझे क्या बोलेगा, अरे अगर मैं जोर जोर से प्रभु की स्तुति करूंगा तो दूसरे क्या सोचेगा, नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सोचने दो सोचने वालों को, वो सोचता जाएगा उसको आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन आप प्रभु की स्तुति करते जाओ। ठीक है, ताली बजा के गाने के लिए बोला, ताली बजा के हाथ उठा के प्रभु की स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है जब मैं वहाँ पे फादर जी के साथ थी, हम दोनों सिस्टर लोग, उस समय एक भाई बहुत सरदार जी है, बड़ा पगड़ी बांधा है और बहुत मोटा है, लंबा जवान, ये भैया वहाँ पे आए तो इसको बहुत सारी सारी बीमारियाँ थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बीमारियाँ, तो इस बीमारी के कारण भी जब शरीर अच्छा नहीं है तो हमको बैठने के लिए भी थोड़ा मुश्किल लगता है ना। कल एक बहन भी यहाँ पे बता रही थी, तो ऐसे ही उस भैया को मुश्किल था, वैसे भी बड़ा सरदार है ना, तो हमारी प्रार्थना तो उसको कुछ भी नहीं आती थी, लेकिन बृहस्पतिवार को प्रार्थना शुरू हुई, वहाँ पे 3 दिन साधना है, तो एक बार अंदर आ जाएंगे उसके बाद बाहर नहीं जाएंगे, 3 दिन वहाँ पे रहना पड़ता है और उसके बाद संडे को प्रार्थना के बाद ही जा सकते। तो इस भैया को बहुत मुश्किल हो रहा है, उसका पूरा शरीर में तकलीफ है, दर्द है, शुगर है, मेरे ख्याल किडनी का प्रॉब्लम था और जॉइंट्स में भी दर्द था, ऐसे बहुत 3-4 बड़ी बड़ी बीमारियां थी, तो इसके कारण इसको बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे बैठने के लिए उसको एक कुर्सी भी नहीं मिल रहा, क्योंकि रिट्रीट साधना केंद्र में कुर्सी भी नहीं था, नीचे ही लोग जो आते नीचे ही बैठते हैं, जिसको बैठना मुश्किल है वो लेट के ही प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही सरदार जी वहाँ पे बैठे हैं, पहला दिन बीत गया, बहुत सारे लोग ठीक हो गए लेकिन इसको कोई चंगाई नहीं मिली, क्यों, क्योंकि वो अपना मुंह नहीं खोलता था, पहली बात उसको प्रार्थना ही नहीं आती थी, कैसे करनी है प्रार्थना। तो ऐसे ही ये भैया तो वैसे ही बैठे, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन वहाँ पे उपवास प्रार्थना थी, तो फादर जी ने बोला आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको प्रार्थना नहीं आती इतना ही प्रार्थना करते जो, हे दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर, केवल ये प्रार्थना करती जाओ। तो ये भैया ने ऐसे ही किया, इसको और कोई प्रार्थना तो नहीं आती, क्योंकि उन लोग का तो दूसरा पाठ पूजा होता है, तो ऐसे ये भैया ऐसे इतना ही बोलते गए, हे दाऊद के पुत्र यीशु मैं आप पे विश्वास करके आपके घर में यहाँ पे आया हूँ, मुझ पर दया कर, अपनी भाषा में, पंजाब की भाषा, पंजाबी में। तो ऐसे ही बोलता गया, आप विश्वास नहीं मानोगे, सरदार जी बहुत मोटे ताजे बड़े वाले आदमी हैं, लेकिन उस भैया ने जब यीशु का नाम सिर्फ अपनी जुबान से लिया है, जब हम हालेलुया बोलते कितना भी उसको दर्द है तो भी हाथ उठा के वो प्रभु की स्तुति करता था, जब हम हालेलुया बोलते हैं, हम क्रिश्चियंस लोगों को पता हालेलुया का मतलब क्या है लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, वो ऐसे ही हालेलुया बोल के प्रभु की स्तुति करता है, जब हम ताली बजाते उसको बहुत दर्द है फिर भी वो तालियां बजा के प्रभु की स्तुति करता था। तो चमत्कार प्यारे भाई और बहनों, तीसरे दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक की प्रार्थना के समय, जब तीसरे दिन हमारे जो बड़े फादर जी सबके सिर पे हाथ रख के वहाँ आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे ही फादर जी सबके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, जब फादर जी उसके सिर पे हाथ रखे एकदम वो बड़ा मोटा ताजा दादा वो वहाँ पे गिर गया है, अरे ये क्या हो गया, पवित्र आत्मा की शक्ति ने उसको स्पर्श किया, आधा घंटा के बाद उसको होश आया है, जब कोई गिर जाता है उसको कोई उठाता नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय अपना कार्य कर रही होती है। तो आधा घंटा के बाद जब ये भैया ने आंखें खोली है उसको होश आया, उसको क्या दिखता है, वो भैया को अपने आप के एक नयापन दिखाई दे रहा है, उसको ऐसे लगा जैसे उसको कोई बीमारी नहीं है, अच्छे से खुशी से अपने हॉल में जाके खाना खा के सो गया। अगले दिन जब जाने के समय वो भैया सबसे आगे आके वहाँ पे खड़ा हो गया और सब लोगों के सामने उसने खुद माइक लेके बोला, देखो
मैं यीशु के नाम को नहीं जानता था, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, मेरे हाथ और पांवों में दर्द थी, मेरा पूरा शरीर बीमारी से जकड़ा था, मैं किडनी पेशेंट, मैं शुगर पेशेंट हूँ, बहुत सारी बीमारियां लेकर यहाँ पर आया। लेकिन जब मैंने यीशु का नाम लेकर यीशु की स्तुति और आराधना शुरू की है, मेरे जीवन में चमत्कार हो गया, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु क्रिस्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब यीशु का नाम लेकर हम मांगेंगे तो यीशु हमें देगा। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, मांगो, क्या करो, मांगो। कैसे मांगना है, कैसे मांगना है? आए हैं प्रभु 3 दिन की साधना, दूर से फादर जी आ गए ना, इसलिए आए हैं, हमने चंदा दिया है ना यहाँ पे, इसलिए हम आए हैं, बैठे हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे, ये सोच के नहीं। भाई और बहनों, ये सोच के नहीं, मैं यीशु के जन्म में आ गया हूँ, मैं यीशु से मांग रही हूँ, जो मांग रहा है वो मुझे जरूर मिल जाएगा, इस विश्वास से मांगने वालों को यीशु जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मिलने से पहले ये विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, वो जरूर तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। सो भाई और बहनों, आज जब फादर जी यहाँ पे आएंगे, उसके पहले ही विश्वास करो प्रभु। जब आपके दास ने, फादर जी ने मेरे लिए प्रार्थना करनी है, हमारे लिए प्रार्थना करनी है, मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु ने मुझे चंगाई दे दी है, जरूर आपको मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया, हालेलुया। सब जन मिल के हालेलुया, हालेलुया। खुशी से हालेलुया, हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आए हम एक भजन यीशु की महिमा के लिए गाएंगे, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, सब जानते हैं ना। तो आए हम जोर से प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा के खुशी से ये गाना गा के प्रभु की महिमा और स्तुति करें, सारे ताली बजा के। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का तालियां तालियां जोर से, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। सारे पैर को हिला के सब मिलके, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, बजाके प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया,
कृपा करने वाला यीशु हल्लेलुया, कृपा करने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, गाइए राजाओं का राजा हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, हाथ उठा के जितना बाइबल उठाइए, वेरी गुड। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बाइबल लेके आए हैं, बाइबल लेके आए हैं, उनको आशीष दीजिए, उनको आशीष दीजिए, उनको चंगाई दीजिए, उनको चंगाई दीजिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए इनको आशीष दीजिए, इनको आशीष दीजिए। हल्लेलुया, 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 हमेशा हमेशा वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए इनको आशीष दीजिए, इनको आशीष दीजिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 ऑनवर्स, रोमन द सुसमाचार अध्याय 10, अध्याय 10 वाक्य 9 से हम लोग प्रभु का वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं, आप लोग मुंह से स्वीकार करना, क्या मुंह से स्वीकार करना है, आगे वचन पढ़ो कि ईसा प्रभु है, ईसा प्रभु है, मतलब यही है, अपने मुंह से बोलना ईसा प्रभु है, क्या बोलना है, बोलो ईसा, ईसा प्रभु है, प्रभु है, कैसे बोलना, मुंह से बोलना है, दिल में नहीं, मुंह से बोलना ईसा प्रभु है, बोलिए सारे, ईसा प्रभु है, ईसा प्रभु है, ईसा खुदा है, ईसा प्रभु है, ईसा प्रभु है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आगे वचन पढ़ो, और हृदय से विश्वास करते हैं, हल्लेलुया, हल्लेलुया, मुंह से बोलना ईसा प्रभु है, ध्यान से सुनो, मुंह से बोलना ईसा प्रभु है, हृदय में जो विश्वास करना, क्या है, क्या विश्वास करना, बोलो आगे, के ईश्वर ने, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हालेलुया, हालेलुया, उन ध्यान से सुनो, मुंह से बोलना ईसा खुदा है, पहली बात, दिल में विश्वास करना, क्या विश्वास करना, ईश्वर ने यीशु को तीसरा दिन मृति से जीता किया है। हालेलुया, हालेलुया, सो देखो, आप मुंह से बोलो यीशु प्रभु है, क्या बोलना है, यीशु प्रभु है, और दिल में विश्वास करना भी है, उसका ऊपर विश्वास करना, और किसी का ऊपर विश्वास नहीं करना, यीशु का ऊपर विश्वास करना। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे को बताया है, जिस मंजिल पर आपको मैं उड़ावना था, उस मंजिल में आप नहीं पहुंचिया, बात समझ लगी, जिस मंजिल पर
आपको मैं उड़ाना था, उस मंजिल पर आप नहीं पहुंचिया। एक किसकी गलती है? मेरी गलती है। परमेश्वर ने ईसा ने मेरे को उस मंजिल तक उड़ाना था, पर मैं पहुंचा नहीं। मेरी गलती है। क्यों? हम लोग दारू पीता है, नशा कर रहे, लड़ाई कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे। इसलिए जहां पर परमेश्वर ने आपको पहुंचाना था, वहां पर आप नहीं पहुंचिया। देखिया नहीं, आपको परमेश्वर ने उठाना। एक बात सुन के एक दिन एक भाई ने मेरे को बोला, फादर जी मेरे लिए दुआ करो, मैं कार बनाऊना, मकान बनाऊना। जो मैं उसके लिए प्रार्थना किया है, उसने देखो 2 मंजिल बनाया है, फिर गाड़ी ले आया है। खुदा की आशीष आ गई। हालेलुया, हालेलुया। आप भी प्रार्थना करो, परमेश्वर ने आपको उठाना है। परमेश्वर ने, ईश्वर ने आपको उठाना है। जिस मंजिल में यीशु आपको उठाना है, उस मंजिल में आप पहुंचने के लिए आज प्रार्थना करो। इसका मतलब यही है, आप विश्वास नाल प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18:19 सेंट मैथ्यू चैप्टर 18:19 प्लीज राइट एंड गिव, लिख के रख लो। घर में जाके आज का वचन पढ़ना है। मैं प्रार्थना करके आपके लिए वचन आज परमेश्वर दे में ले आया है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18:19 यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर, हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर, पृथ्वी मतलब कि इस भूमि में, इस धरती में 2 व्यक्ति, पता है कौन है 2 व्यक्ति? हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी। ध्यान से सुनो, पति पत्नी हमेशा प्रार्थना नहीं करता है। पति शराब पी के, दारू पी के, नशा करके घर में आता है, फिर प्रार्थना कहाँ होता है? भजन में क्या लिखा है? पृथ्वी में 2 बत्ती, कम से कम 2 बत्ती, 2 इंसान, हस्बैंड एंड वाइफ प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुना। आज से प्रार्थना करो, हस्बैंड एंड वाइफ आज यहां पर बैठ गए, यीशु का साथ वायदा करके जाओ, प्रोमिस करके जाओ। क्या प्रोमिस करना है? आगे से हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ प्रार्थना करेगा। आगे वचन बढ़ो, कुछ भी मांगोगे, हाँ कुछ भी मांगोगे, बच्चे के लिए, परिवार के लिए कुछ भी मांगो। मैं डावाली में प्रचार कर रहा था, एक बहन था, छोटा सा बच्चा, चलता नहीं था, उसका गोदी में था, प्रचार कर रहे हैं, वो बच्चा वो चल के इधर आ गया। डावाली में, मंडी डावाली हरियाणा में कन्वेंशन चल रहा था। प्रभु ने बहुत आशीष दे रहे। आज आप प्रार्थना करो, हम लोग प्रार्थना कर रहे, आपको परमेश्वर ने आशीष देना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन बढ़ो, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर, 2 व्यक्ति, 3, ध्यान से पढ़ना, एक मन होके कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जा ध्यान से वचन सुनना है। 2 व्यक्ति एक मन से, इसका मतलब कि ये एक मन से प्रार्थना करेगा। हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी एक मन से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ने आशीष देना ही है। एक मन से हस्बैंड एंड वाइफ सवेरे, मॉर्निंग, इवनिंग, 2 व्यक्ति हस्बैंड एंड वाइफ एक मन से आजकल काम पर होता है। हस्बैंड एंड वाइफ एक मन से काम पर होता है, क्योंकि हस्बैंड दारू पी के नशा करके आ रहे, बहन बताने कितने रोके चलती फिरती रहती है,
सो देखो वचन एक मन से प्रार्थना करना, हालेलुया हालेलुया। आज आप लोग प्रार्थना करो, यीशु हम पर दया कीजिए। आगे वचन पढ़ो सिस्टर जी, और क्या है? क्योंकि यहाँ दो या तीन, यहाँ दो और तीन, इसका मतलब आगे बढ़ रहे। परमेश्वर बोले कम से कम हस्बैंड एंड वाइफ, और तीसरा कौन है? उनका बच्चा। देखिए नहीं, इसका मतलब यही है, परिवार इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करना जरूरी है। उनका बीच में आशीष होना, परिवार की प्रार्थना, हस्बैंड एंड वाइफ बच्चे जो प्रार्थना करेगा, माता पिता बच्चे प्रार्थना में बैठना मॉर्निंग एंड इवनिंग, सवेरे भी शाम को भी प्रार्थना में बैठेगा, आपका घर में परमेश्वर आशीष देना। हालेलुया हालेलुया। मेरे को नहीं बोलो, आप प्रार्थना करो, ये ईश्वर मेरे हाथ को अभिषेक कर, मेरे हाथ को आशीष दो। आज आप लोग घर में जाके, आपका घर में कोई बीमारे, मैं एक बात बताना, उनका सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करो, परमेश्वर आपसे भी कम करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो जोर से, बोलो हालेलुया हालेलुया। मेरे को ये परमेश्वर बोलते रहते हैं, फादर बेसिल, मेरा नाम फादर बेसिल है। फादर बेसिल, आपका काम कोई खेती पाड़ी का काम नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाता था, ड्राइवर, मेरे पास ड्राइवर नहीं था। प्रभु ने मेरे को बोला, आप क्यों फादर बन गया? गाड़ी चलाने के लिए दिखा नहीं। मैं उस दिन से गाड़ी चलाना बंद किया। 12 साल पढ़ाई करके ड्राइवर बनने के लिए मैं फादर बन गया। 12 साल की पढ़ाई के बाद यीशु का साथ बैठने के लिए प्रभु ने मेरे को फादर बनाया। परमेश्वर का सामने बैठ के उसकी आशीष लेके लोगों में जो बांटने के लिए परमेश्वर ने मेरे को फादर बनाया, ड्राइवर बनने के लिए नहीं है। इसलिए उस दिन से मैं ड्राइवर का काम बंद किया है। हालेलुया हालेलुया। आप ही ध्यान से सुनो, माता पिता को क्यों बच्चे दिया है? उसका सामने शराब पी के गाली देने के लिए नहीं है। सुन लिया? माता पिता, माता पिता आपस में लड़ता है, उस काम बच्चा सीख रहा है, आपसे देख रहे। मम्मी डैडी लड़ता है, इसलिए हम लोग भी लड़ना शुरू किया है। माँ बाप ने, इसलिए परमेश्वर ने बच्चा दिया, प्रार्थना करके, प्रार्थना करके बच्चों को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रेरणा देना है। हालेलुया हालेलुया। किसका पीछे तुरने के लिए? हाँ, ईश्वर को पीछे। आपका बच्चा किसके पीछे चल रहे? शराबी के पीछे, क्यों? मेरा डैडी शराब पीता है मैं इसलिए उसको पीछे जा रहे। डैडी मर जाएगा फिर कौन शराबी बनना? मैं बनना है, क्यों? मेरा डैडी का जो काम मैं करना पड़ेगा। देखिए नहीं, मेरी कर जो मम्मी जो लड़ती रहती है डैडी के पास, मम्मी मर जाएगा, मैं भी शादी करके अपने पति के साथ ही लड़ना है, काम ही है। इसलिए वचन में लिखा है, ईश्वर का पास, ईश्वर का साथ चलना है। हालेलुया हालेलुया। साम भजन का ग्रंथ चैप्टर 90 अध्याय 90 वाक्य 18 से हम लोग पढ़ रहे। बाइबल लिख लो सारे, लिख के रख लो आप लोग सारे। हाँ, वचन पढ़ो शिष्य जी। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। हाँ, और आगे पढ़ो। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। स्वास्थ्य हालेलुया हालेलुया। हमारा पाप परमेश्वर का सामने है, परमेश्वर हमारा पाप देखता है। हम लोग जो अंधेरे में, जो और किसी जगह में पाप किया है, किसी को नहीं पता है। भजन क्या बोल रहे हैं?
हमारा पाप परमेश्वर सामने चमकता है। हल्लेलुया हल्लेलुया। हमारा पाप जो गलत काम किया है वो परमेश्वर देखता है। आपने आज पाप स्वीकार नहीं किया है, आज प्रार्थना करो यीशु हमको आशीष दीजिए, आज पापों से हमको मुक्ति दीजिए। हल्लेलुया हल्लेलुया। हाँ थोड़ा ये हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। यीशु का पवित्र रक्त का स्तुति हो, ईश्वर का पवित्र रक्त की स्तुति हो। हल्लेलुया हल्लेलुया। हम लोग एक भजन गा के परमेश्वर की स्तुति करना है। हाथ उठाइए, हाथ उठा के ताली बजा के यीशु का स्तुति करो। सारे अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से ताली बजाते हुए मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाथ उठाइए, हाथ उठा के जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बोलो मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और सब मिलके जोर से ताली बजा के पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सारे हाथ को उठा के जोर से तालियां बजा के थोड़ा पैरों को हिला के डांस। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तुझको पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझको पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हल्लेलुया हल्लेलुया। ध्यान से सुनना है, जिसका जिनका पेट में काफी पुराना दर्द है, पेट का थोड़ा नीचे जो दर्द है यीशु चंगाई दे रहे। जिनको कैंसर है, कैंसर और गुर्दे की शिकायत, गुर्दे दी गुर्दे की बीमारी है, उनको भी आज यीशु चंगाई दे रहे। परमेश्वर ने आज आपका शरीर में जो भी दर्द है खुदा आपका घर में भी आशीष देना। हालेलुया हालेलुया। इस बहन बदारे थी 9 साल हो गया। हाँ 9 साल, ध्यान से सुनो, 9 साल हो गया इसका पेट के नीचे जिस तरह फादर बोल रहे थे दर्द रहता था। देखो 9 साल से पेट का नीचे दर्द था। मैं कमरे में बैठा था, मैं देख रहा था ईश्वर, यीशु हमारे बीच में है, आपको चिंगाई दे रहे, इसलिए मैं आपको बोला अंदर ही बैठना, बाहर नहीं होना, अंदर अंदर बीच में भी जगह है, अंदर आने का समय ईश्वर चिंगाई दे दे। आगे बोलिए। आज इस प्रार्थना में दिरी आया सी, उस
अभी प्रभु यीशु इसको आशीष दिया है, 9 साल का पुराना दर्द से प्रभु यीशु इसको छुटकारा दिया है। हाथ उठा के प्रभु की स्तुति कीजिए, हालेलुया हालेलुया। हाथ उठा के ताली बजा के प्रभु की स्तुति कीजिए, हालेलुया हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। इस माता जी बता रही थी 5 साल हो गया इसका। हाँ, 5 साल देखो, बड़ी बड़ी बीमारी, पुरानी बीमारी है 5 साल से। हाँ, इसका पेट में दर्द था। हाँ, जो बहुत मुश्किल था इसको, आज इस प्रार्थना में इधर ही आ गया। प्रभु यीशु ने इसको छुया है, ये 5 साल का पुराना दर्द से इसको छुटकारा मिला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये बहन बता रही कि आज पहले दिन ही यहाँ पे आई है। आज पहले दिन ही आई है। तो बोरे की इनका पेट में बहुत तकलीफ था, स्पेशली जो गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता था, तो जिसकी वजह से इनको बैठना भी मुश्किल होता था और साथ ही साथ हाथ उठाने के लिए बहुत दिक्कत थी। लेकिन आज जब पूरी भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना किया है, तो पेट की जो प्रॉब्लम थी उसको भी प्रभु ने दूर कर दिया है। चंगाई अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। और जो हाथ उठाने के लिए दिक्कत था, मुश्किल था, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ताली बजा के इस प्रभु की स्तुति कीजिए, धन्यवाद। हालेलुया। इस बहन को हाथ उठाने के लिए मुश्किल था, देखिए नहीं तुम्हारा सामने, इस बहन हाथ उठाइए एक बार और, हाथ उठाइए बहन, ताली बजाइए, ताली बजा के हालेलुया हालेलुया। ईश्वर महान है, यीशु हमको चंगाई दे रहे, यीशु महान है, हमारा खुदा है, हालेलुया हालेलुया। आज का वचन ध्यान से सुनो, आइसया नबी का ग्रंथ उसके 3:3-10 हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़ो सिस्टर जी। देखो धार्मिक मनुष्य का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। सो जो काम आप लोग करेगा उसका फल आपको मिलना ही है। जो काम, जो पाप करेगा उसका फल मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा यीशु का पास एक पलंग में एक आदमी को लेके आया जो चलता नहीं था। ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने उनको बोला है, मैं आपका पाप माफ कर रहा हूं, मैं आपको पाप माफ कर रहा। जब पाप माफ हो गया, जो पलंग में था उड़ के चलना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया। पाप आ गया, इंसान ने पाप किया है, इसलिए उसका फल है बीमारी, लड़ाई झगड़ा, घर में शांति नहीं है। देखो आइसया नबी का ग्रंथ 3:10 हम लोग पढ़ते हैं, जो भलाई करेगा, अच्छा काम करेगा, उसका फल आपको मिलना है। रोज प्रार्थना करेगा, चर्च हर संडे, हर रविवार को, संडे को चर्च आना शुरू करेगा, उसका फल हमको मिलना है। एक भाई ने मेरे को बताया, फादर जी जिस दिन मैं दारू छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, उस दिन से मेरा बच्चा सब ठीक हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे वचन पढ़ो शिष्य जी। धिकार विधर्मी को, उसका बुरा होगा। हालेलुया हालेलुया। जो दुष्ट है, जो दुष्ट है मतलब जो बुराई करते रहता है, उसको क्या मिलना है, उसको परमेश्वर ने आशीष नहीं देना है। और आगे वचन पढ़ो, उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा। ठीक है। मेरी प्रजा युवक तुम पर अत्याचार करते और स्त्रियां तुम पर शासन करती है, मेरी प्रजा तुम्हारे पथ प्रदर्शक तुमको बहकाते और तुमको सन्मार्ग से हालेलुया हालेलुया। वचन ध्यान से सुनो, आपको जो लीड गाइड कर रहे हैं, मतलब आपको जो आगे लेके जा रहे, उस इंसान पाप में है। फिर वचन कहता, वचन क्या बोल रहे हैं, वो इसलिए गलत रास्ते में चल रहे हैं। इसका मतलब पता क्या, माता पिता गलत रास्ते में चलेगा, क्योंकि परिवार में माता पिता बच्चे को क्या करे, शिक्षा दे रहे,
गलत रास्ते में माता पिता चलेगा। कभी कभी मेरे को बोलते हैं, फादर जी मेरे को ना यहाँ से भी बहुत फोन आते रहते हैं, क्योंकि हमारे लाइव देख के मेरे साथ काफ़ी लोग हैं बांग्लादेश में, उधर से हमारे लाइव देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं। फादर जी शादी हो गया, मेरे हस्बैंड और अवृत का साथ है, बस भजने ही है, अवृत का साथ उसका हस्बैंड है, शादी भी हो गया, जो शादी हो गया मेरी करवाली जो मेरी मिसेस और कोई इंसान का साथ गलत है। भजन क्या बोल रहे हैं, जो बच्चों को जो गाइड करण वाला, गाइड मतलब क्या है, जो आगुआई आगु बोलता है, क्या बोलते हैं गाइड को, आगुआ, ठीक है, हालेलुया हालेलुया। बच्चे को आगुआ कौन है, माता पिता है, जो माता पिता गलत रास्ते में चलेगा हमारे घर में आशीष नहीं आएगी, हमारे घर में आशीष नहीं आएगी। आज इसलिए आप लोग सोचना, मैं आपको एक बात बताऊना, परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल कर रहे, यूज कर रहे परमेश्वर, क्यों, खुदा के लिए हम लोग आ गया, हालेलुया हालेलुया। आपको भी माता पिता को परमेश्वर यूज कर रहे, परमेश्वर आशीष दे रहे, कितने लोगों को आज खुदा ने आशीष दे रहे। मैं गुरदासपुर गया था, वहां पर एक बहन था, पुराना समा वो जैसे मर गया वैसे मेरे पास आया था, उस बहन को देखे मेरी आत्मा इतना खुश हो गया, हमारे पास लाइव है उनकी गवाही, उनका विटनेस है, गवाही है। उस बहन ने बोला मैं मर चुका था, पर परमेश्वर ने, ईश्वर ने जय फादर जी वचन सुनाया, हमारे लिए प्रार्थना किया है, ईश्वर ने हमको दूसरा जन्म दिया है, हालेलुया हालेलुया। ईश्वर ने हमको दूसरा जन्म दिया है, आज ईश्वर ने आपको भी जन्म दे रहे। जॉन सेंट जॉन चैप्टर फोर, सेंट जॉन चैप्टर फोर, यौन का सुसमाचार अध्याय चार वाक्य 16 से हम लोग पढ़ रहे हैं। जॉन का सुसमाचार अध्याय चार वाक्य 16 से, हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। भजन पढ़ो सिस्टर जी। ईसा ने उससे कहा, ये थोड़ा सा ध्यान से सुने वचन, एक अवृत था, इतने गलत काम में था, उस अवृत गलत काम में था, हालेलुया हालेलुया। इतना बंदे का साथ था, एक ने दो ने ऐसे गलत काम में था उस अवृत, पर फिर भी यीशु का दिल में उस अवृत का ऊपर दया किया है, हालेलुया हालेलुया। आज आपका ऊपर यीशु दया कर रहे हैं, आज पाव सिंगार करो, अच्छा पाव सिंगार करो, ईश्वर का साथ प्रोमिस करो, वायदा करो, प्रोमिस करो यीशु का साथ। बोलो पढ़ो आगे, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। हाँ, जाके अपने पति को यहाँ बुलाओ। उस अवृत ने क्या बोले, मेरे को पति नहीं, कोई पति नहीं है, मेरे को कोई पति नहीं है। ईसा मसीह ने बोला तुमको कोई पति नहीं है, पर आज जो आदमी है वो कितना है, चेवा है, हालेलुया हालेलुया। ये सुन के नो, उस अवृत का हाथ में एक कटा था, क्या बोले, क्या है 28 में पढ़ो, 28 वर्स। उस स्त्री ने अपना घड़ा वही छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है, घड़ा, घड़ा छोड़ दिया। घड़ा किसके लिए आया पता है, किसके लिए आया, पहले एक लड़के को रखा था वो चल गया, दूसरे लड़के को कर में रखे वो भी चल गया, ये ऐसे ऐसे पांच लड़के को रखा था वो भी चल गए, हूं अभी छेवा है। उसके लिए कुछ चाय पानी रोटी बनाने के लिए कड़ा पानी लेने के लिए लेके आया था। ईसा मसीह वहां पर था, ईसा ने बोला है तू अपना पति को ले गया। उस अवृत ने बोला मेरे को कोई पति नहीं। यीशु ने उसका दिल पर देख के क्या बोला है, तेरा कोई पति नहीं, अभी जो तेरा कर में छेवा है, अभी जो तेरा कर में कितना का है, छेवा। ये सुन के उसका हाथ में जो कड़ा था नीचे गिर गया। इसका कुछ मतलब है, हालेलुया हालेलुया। क्या नीचे गिर गया, बोलो,
ऊंची बोलो, खड़ा नीचे गिरिया, खड़ा नीचे गिरेगा क्या होना है? बहन बोलो, नीचे गिरे फिर क्या होना है? ऊंची बोलो, टूट जाएगी। इसका मतलब यही है, उस बहन ने कड़ा तोड़ दिया, इसका मतलब यही है उस बहन ने पाप छोड़ दिया, तोड़ दिया। उसने फिर वचन में क्या लिखा है, वो कड़ा तोड़ दिया है, आगे चल गया, सागर में गया, प्रभु का वारे, ईश्वर का वारे बदावना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप आज भी जब पाप सिहार करना है वहां पर आपका पाप छोड़ना है, समझ लगी मेरी बात? वहां पर पाप छोड़ना है, उधर से एक नया इंसान बन के आना है। फिर क्या करना है? गांव में जाना, शहर में जाना, ईश्वर का प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। किसका प्रचार करना है? ईश्वर का प्रचार आज से करना है। पाप छोड़ दो, इस ग्राउंड में कड़ा छोड़ दिया। ये पाप स्वीकार न करने का मतलब यही है, वहां पर छोड़ दिया है, हमारी परेशानी खत्म हो गई वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, जो उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, कल मैं आपको बताया था, परमेश्वर ने इसलिए अब्राहम को बोला है तो सब कुछ छोड़ना, क्योंकि मैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को नहीं, आज आपको बोल रहे, आप सब कुछ छोड़ना है, आज मैं आपको क्या करना है, अनुग्रह करना है, ब्लेसिंग देना है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने अब्राहम को अपने पास बुलाया है, आज जैसे आपको ईश्वर ने अपने पास बुला के बोला है, अब्राहम को बोला आप सबको छोड़ना, जिसका साथ आपका संबंध है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। बात तो समझ लगी? जो लड़की जिसकी शादी नहीं हो गया, जिसका साथ आपका संबंध है छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। जो शराबी का साथ आपका संबंध है छोड़ना पड़ेगा, आशीष फिर मिलेगी। जो गलत रास्ते में चलन वाला, वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है तो सब कुछ छोड़ना, जिनका पास आपका रिश्ता है उसको छोड़ना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो आप छोड़े हाँ आज ब्लेसिंग मिलेगी। परमेश्वर ने बोला है छोड़ना है, जिसका पास जिसका साथ आपका संबंध है उसको छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो कोई कन्वर्शन के लिए है, पाव सिंहार करने के लिए है, फादर लो बैठे, आप थोड़ा सा जाओ, क्योंकि आप वचन सुनते रहे, हाँ ठीक है, ये भी जरूर थे, नहीं तो मैं ऐसे करूँगा आधा घंटा अपा प्रेसान वर्ष करूँगा। जो ध्यान से सुनो, कितने लोगों को यीशु आशीष दे रहे। मैं एक बात बताना, शाम को चंगाई का प्रार्थना है, दिल से पाव स्वीकार करना, जिसका साथ शराबी का साथ, जिसका साथ आपका संबंध है उसको छोड़े हाँ बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने मेरे को बताया, फादर जी मेरी शादी हो गया, मेरा जो हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं, पर मैं और कोई जो बंदे के साथ आदमी का साथ मेरा रिश्ता है, उस दिन से मैं बीमार हूं। उसने वो रिश्ता छोड़ दिया है, उसका साथ संबंध छोड़ दिया, उस दिन से बहन ठीक हो गया। खुदा ने ब्लस किया है, खुदा ने आशीष दिया। इसका मतलब यही है, आज प्रभु ने जन्म से अभी तक जो पाप किया है खोल के दसना है, छुपा के नहीं रखना। प्रभु को बोलना, प्रभु मैं दारू छोड़ना है, मैं सब कुछ छोड़ना, मैं आपकी आशीष नाल परना है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। तो फिर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला है?
जिनका साथ आपका दोस्त है। मैं एक बात बताना, मेरे को कोई दोस्त नहीं है, मेरे को कोई दोस्त नहीं। पता है मेरा उम्र कितना है? 61 आया मैं। 40 साल से प्रभु का वचन। 61 को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, सबको समझ लगाना। हालेलुया, हालेलुया। उस देखो, जिस दिन मैं फादर बन गया, उस दिन से सवेरे से शाम तक मैं प्रभु का सुसमाचार कर रहे, इसलिए प्रभु ने मेरे को आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन ध्यान से सुनना, सुनाई दे रहे ना? मैं आ रहा था गड़ी में, कन्वेंशन खत्म हो गया, मैं आ रहा। ऑगस्ट 14 तारीख मैं वापस आ रहे, मेरा ड्राइवर को थोड़ा सा नींद आ गया। मैं ड्राइवर को बोला है साइड में गाड़ी कर लो, आप चाय पी लो। सब शिश लो, सब उतर के चाय पीना शुरू हो गया। मैं भी अंदर बैठ के चाय पी रहा था, पीछे एक गाड़ी आ गया और ड्राइवर सो गया, मेरी गाड़ी पर ले गया है। मेरा गाड़ी का पीछे सिलेंडर था, उस समय गैस सिलेंडर थे, गाड़ी चल रहा। देखो सिलेंडर जो गाड़ी क्यों गाड़ी में ले गया है, सिलेंडर पट गया, जो पड़ाक हो गया, आग लग गया गाड़ी में। मेरा इतने यहाँ पर चोट लगा है, मैं बेहोश हो गया। एक दो मिनट लग गया मेरे को गाड़ी से निकालने के लिए, अस्पताल में ले गया, पर प्रभु ने मेरे को बचाया। मैं एक बात बताना है, मेरे वाल को भी कपड़ा को भी आग नहीं लग गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस दिन खुदा से मैं वायदा किया, प्रभु मैं लास्ट बर्थ तक आखिरी सांस तक मैं आपको वचन सुनाऊं। जो गाड़ी मेरे पीछे लग गया था, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वहां पर डेथ हो गया, पर खुदा ने मेरे को बचाया। ईश्वर ने बचाया, जो बाइबल में क्या लिखा है, जो खुदा की सेवा करेगा, आग में भी जाओ कुछ नहीं होएगा, पानी में जाओ कुछ नहीं होना, उसको वो जगर पी लो कुछ नहीं होना है। आप भी आज से प्रभु की सेवा में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। किसकी सेवा में लग रहा है? प्रभु की। ए हस्बैंड, हस्बैंड अपनी घरवाली वाइफ को प्यार से सांभना, देखभाल करना शुरू करेगा। मैं कहता प्रभु की सेवा कर रहे, घर में लड़ाई खत्म होगी, माता पिता प्रार्थना शुरू हो गया, घर में शांति आ गई, प्रभु की आशीष आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोले, सब कुछ छोड़ना है, फिर क्या करना है, छोड़ के आप मेरे पास आना, आपका संबंध जिसका पास हो सब कुछ छोड़ दो। फिर परमेश्वर ने बोला तू आगे चलो, आपको मैं ब्लेस करने के लिए जा रहे, आपको मैं आशीष करने के लिए जा रहे, आपका जीवन में मैं आशीष देना। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उड़ाइए, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 1:31 जो परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो। जेनेसिस चैप्टर 1 उद्भव ग्रंथ अध्याय 1:31 प्रभु का वचन क्या है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ो सिस्टर जी। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ अच्छा देखा। हाँ बस बस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, क्या हुआ, बना के प्रभु ने बोला ये अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। थोड़ा बोलो क्या लगता है? अच्छा लगता है। कौन बनाया, कौन बोला है? गैब्रियल ने कर बना के, गैब्रियल आप बोलता है ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। गैब्रियल आपको शादी हो गया, शादी हो गया, बच्चा कितना है? बस फेल हो गया। कम से कम 5 बच्चा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। गैब्रियल, गैब्रियल कर बनाया, कर बना के एक दिन फादर ने जाके बताया, फादर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, क्यों हम बहुत अच्छा कर बनाया है, पर मेरे से जब मैं मर जाएगा इसमें रहने के लिए कौन है, मेरे को कोई बच्चा नहीं है। बात समझ लग रहे,
समझे लग रहे हैं? जो बनाया है वो देखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए गैब्रियल सोचिया मैं और किसी का बच्चा, वो भी अपना नहीं है। सो गैब्रियल बोल रहे, सो सब ध्यान से सुने, एक उदाहरण है। जो घर बनाया इसमें रहने के लिए मैं मर जाएगा, इसका मालिक कौन है? कोई नहीं है। गैब्रियल का मन में बड़ा दुख लग गया। गैब्रियल फादर जी के पास आ गया। फादर जी, हमारा पास दो गाड़ी है, मेरी मिसेस को एक गाड़ी है, मेरे पास भी है, पर मैं अच्छा कर बनाया, ऊपर भी मंजिल बनाया, पर इसके लिए किसके लिए मैं किया है? आज का वचन भी यही है, खुदा ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने क्या बोला है? बोलो सारे, क्या बोला परमेश्वर ने? अच्छा लगा, पर ये देखने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा वचन ध्यान से सुनाता हूं। ये देखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए गैब्रियल का पास कोई नहीं है। गैब्रियल का पड़ोसी आके दिल से नहीं बोल रहे, गैब्रियल बहुत अच्छा लगता है, दिल से क्या बोले, तू मर जाने दो तेनु बच्चा नहीं होना, तो दिल से पड़ोसी का दिया अच्छा नहीं सोच दे गैब्रियल, कोई काल नहीं, पर तू उसकी भलाई सोचना, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। गैब्रियल क्या सोचना है? पड़ोसी का भलाई, क्योंकि वचन में अभी अभी सुना है, परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम को ब्लेस किया, उसको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। गैब्रियल सब भाई बहन की भलाई सोचेगा, परमेश्वर गैब्रियल का भलाई सोचेगा। मेरी बात समझ लगी नो? इसलिए आज से दूसरे की क्या सोचना है बोलो? आप नहीं सोचेगा मेरा पति भी दारू पीता है, इसका पति भी दारू पीना चाहिए, मेरा पति मेरे को मार पटाई करना है, इसको पति क्यों नहीं करते है फादर जी फादर जी क्यों बोलता है मेरा पति चंगा नहीं है, पड़ोसी का पति अच्छा है, मैं क्या करना है हमको ऐसे, पड़ोसी का बच्चा अच्छा है, पड़ोसी का पति अच्छा है, हमारा पति। बच्चों ध्यान से सुनो, दारू पीने दो, जो भी होने दो, आपका आपका ही है। बात सुन लिया सब? हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। पड़ोसी का भलाई सोचना, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सो परमेश्वर ने क्या बोला है? जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ उसके पहले बाद 31 से हम लोग पढ़े, chapter 1 verse 31, प्रभु ने सब कुछ बना के क्या बोला है? ये मेरे को अच्छा लगता है। ध्यान से सुनना आगे वचन, जेनेसिस chapter 2 verse 18, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 verse 18 से, जो प्रभु ने अच्छा लग गया है, प्रभु का पास आके बोलने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या सोचा है? परमेश्वर ने, भजन पढ़ो सिस्टर। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। ये भी कुछ सोचना, ठीक है? अकेला रहना मनुष्य को कोई अच्छा नहीं है। आगे, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। ठीक है, उसका पहले एक वचन है, ध्यान से सुनो। जे प्रभु ने क्या हो गया, सब अच्छा लग गया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? बोलो क्या किया गैब्रियल? परमेश्वर ने अपना स्वरूप में, अपना स्वरूप का मतलब की है प्रभु की शक्ल में, शक्ल हिंदी है, हिंदी शक्ल, स्वरूप शक्ल हिंदी है, ठीक है? प्रभु की शक्ल में, प्रभु का स्वरूप में, जो परमेश्वर ने क्या बनाया है, क्या बनाया है? इंसान ने बनाया, क्या बनाया है? इंसान को बनाया। खुदा को देखने के लिए किसको देखना है? हस्बैंड अपना करवाली वाइफ को देखो, खुदा को देख रहे। वाइफ अपने हस्बैंड को देखो, किसको देख रहे? ध्यान से सुनना। इसलिए प्रभु ने बोला है, दूसरे को एक ग्लास ठंडा पानी पिलाओ, उसको फल त्वान मिलेगा, क्योंकि आपने मेरे को पिलाया। बेगन ध्यान से सुनना, ठीक है? जब आप लोग सवेरे उठ के अच्छा चाय बना के हस्बैंड को सवेरे दे रहे, किसको दे रहे बोलो? शराबी को? क्या बोला? शराबी को दे मुंह में आ गया, मेरा हस्बैंड शराबी, उसका नाम भी जो बहन ने रखा शराबी है, मैं क्या करना है? सो सवेरे उठ के एक ग्लास पानी या चाय पति को देना सोचना है,
मैं विश्वास से प्यार से दे रहे हैं। वचन क्या बोल रहे हैं? उसका फल आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुन लिया भाई से? भाइयों ध्यान से सुनो, आप लोग काम करके, मेरे को नहीं पता, मैं पंजाब में ही बोलता है, काम करके मेहनत करके वापस शाम को आएगा प्यार से एक समोसा। इधर क्या है, आपको अच्छा लगता है समोसा? अच्छा लगता है? प्यार से एक समोसा अपनी जनानी को प्यार से दे रहे, उसका फल आपको मिलेगा। सुन लिया, शराब में नहीं, यहां दो पैर में चक्के जो उठा के पलंग में सूटना। सो इसलिए वचन बोल रहे हैं आप प्यार से। इसलिए बाइबल में क्या बोला है, परमेश्वर ने इंसान को अपना स्वरूप उसमें अपना आत्मा डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे वचन सीखना है, वचन समझना है। सो इसलिए प्रार्थना करो। सो वचन परमेश्वर ने क्या किया है, अच्छा बोलने के लिए। इसका मतलब पता क्या, मैं इसलिए आपको समझा रहे हैं, जो प्रभु ने सब कुछ बनाया उसको अच्छा लग गया है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, बनाया क्यों? यीशु को बोलना रोज, यीशु जो भी आपने बनाया अच्छा है। समझ लगी मेरी बात? गैब्रियल का बच्चा गैब्रियल को बोलता है, पापा आपने जो भी बनाया बहुत अच्छा लगता है। गैब्रियल को करवाली गैब्रियल को बोलता है, गैब्रियल आप बहुत सुंदर है इस दुनिया में, सब तो अच्छा, मेरा हस्बैंड बोलना जरूरी है। इसी तरह आपने जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, इसको बोलता है परमेश्वर का वचन का मतलब। रोज आप लोग उठ के प्रभु को बोलना, प्रभु आज एक सुंदर दिन मेरे को दिया है, ये बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। रोज बोलना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु को बोलना है जो आपने बनाया अच्छा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जो आपने किया है अच्छा किया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट खड़े जाइए, क्यों? परमेश्वर ने बोला ना अच्छा बोलना है, इसलिए हम लोग प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन भी परमेश्वर ने अच्छा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। सो हम लोग प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। ताली बजाइए। जोर से ताली बजाएंगे। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु, जोर से ताली बजाएंगे, ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। हाथ उड़ाइए, हाथ उड़ा के, ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। जब से प्यारा इस जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा। जोर से हाथ उड़ाइए, खाली हो जाके यीशु की स्तुति कीजिए। जीसस, कभी देख न सका, देखने लग गया, जो
भी कभी दीन सका दीन नीला किया गाइए जो भी कभी गाइए गाइए जो से तालियां जो भी कभी दीन सका दीन नीला किया जो भी कभी दीन सका दीन नीला किया जो भी कभी दीन सका दीन नीला किया जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा तालियां जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा हाथ गुड़ा के उड़ाइए थाली उजागे यीशु की स्तुति करो जीसा हालेलुया जो भी कभी चल न सका चलने लग गया जो भी कभी चल न सका चलने लग गया चलने लगा गाइए जो भी कभी चल न सका चलने लग गया जो भी कभी चल न सका चलने लगिया जो भी कभी चल न सका चलने लगिया जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा ये धरती अंबर और मेरा जीवन गीत गाने लगा जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने और मेरा जीवन गीत गाने लगा तालियां से यीशु की स्तुति करेंगे ईश्वर की स्तुति हो ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया हालेलुया कभी कभी हमारी एक जितने भी काम कोई भी जो बारिश प्रिश करना हम लोग क्या बोलते हैं ये अच्छा नहीं है जो सिस्टर ने किया अच्छा नहीं है हमारी आदत है पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है इंसान का मन में इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है पॉजिटिव थिंकिंग मतलब अच्छा बोलने के लिए आपको बनाया सुन लिया जब जो आपका हस्बैंड ने एक अच्छा कपड़ा लेके आया सूट के लिए आप क्या बोलना है आपको पता भी नहीं है कपड़ा कैसे लेना है मेरे को ये कपड़ा रिंग कभी पसंद नहीं है उसका मन टूट गया उसने कभी कपड़ा लेके नहीं आएगा आप बोलना चाहिए वो इतना अच्छा कपड़ा आपने लेके आया आपको कैसे पता है ये रंग मेरे को पसंद है देखो वो पर दूसरा दिन भी कपड़ा लेके आएगा हालेलुया हालेलुया भाई भी
जब गाना बना के रखिया आप एकदम बोले इसमें नमक नहीं है, नमक बोलता है, नमक बोलता है, नमक बोलता है, जब मिर्च नहीं है पता नहीं क्या का शिकायत है। सो पर जो भी है सब्जी में कमी कमजोरी फिर भी भाई क्या बोलना है, ये बहुत अच्छा है। मैंने हमारे आश्रम में जो भी सब्जी बनाएगा हमारे दीदी बनाती है, मैं दीदी को रोज बोलती है ये कितना अच्छा सब्जी बनाया, मेरे को अच्छा भी है ठीक है। जो मैं बोलते हैं दीदी आपने इतना अच्छी सब्जी बनाया, क्योंकि सर्दी में मूली था, मूली रोज मूली की सब्जी कितना अच्छा बनाया है, ये सीख लो बच्चियों। फिर खुदा ने हमको आशीष देना, जो बच्चे ने कुछ काम किया है बहुत अच्छा किया बच्चियों, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा एक हमारा दिमाग में होना चाहिए, बहुत अच्छा है। सो इसलिए कोई भी काम करो अच्छा बोलो, ड्राइवर ने अच्छा गाड़ी चलाए फिर उसका मन लगेगा और अच्छा चलाने के लिए, हालेलुया हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया है, उनका सब काम क्या है, अच्छा है। उसने मेरे को बच्चा दिया अच्छा है, उसने मेरे का मेरे शादी किया है अच्छा कर्म है, उसने मेरे को जमीन दिया है अच्छा दिया है, जो खेत दिया है पता नहीं खेत में चावल जो भी है इस साल अच्छा हो गया। जब हम लोग उसकी तारीफ करेगा उसकी स्तुति करेगा उसने और आशीष देना, सुन लिया सब, हल्लेलुया हल्लेलुया। सो आज से प्रभु का काम प्रभु की स्तुति करना, प्रभु का धन्यवाद करना, हल्लेलुया हल्लेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया अच्छा बोलने के लिए, परमेश्वर का काम आज अच्छा बोलने के लिए। तीन दिन का साधन इतने जो बाइबल कन्वेंशन हम रहे अच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया, हल्लेलुया हल्लेलुया। हाथ उठाइए, हल्लेलुया हल्लेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, हल्लेलुया हल्लेलुया। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18 से हम लोग प्रभु का वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वचन ध्यान से पढ़ना ठीक है। अध्याय 2 वाक्य 18 से, हल्लेलुया हल्लेलुया। वचन पढ़ो सिस्टर जी। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा। देखो ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया है क्या करने के लिए बनाया, बोलो अच्छा बोलने के लिए। जो अच्छा बोलना शुरू हो गया परमेश्वर उसका भलाई सोचना शुरू हो गया, इसलिए परमेश्वर ने बोला तू अकेले अच्छा नहीं लगता है ना, तू किसी के साथ भी बात नहीं करता है, गुंगा गुंगा बोलता है इधर, जो बोलता नहीं है वो वैसे लगता है तू अच्छा नहीं है। फिर मैं इतना प्यार से आपको बनाया आप अकेले चलता फिरता रहे मेरे को अच्छा, इसलिए प्रभु ने क्या किया है, उसने क्या किया, उसका साथ एक जीवन साथी को भेजिया, किसको भेजिया है, आप लोग जीवन साथी हैं। हाथी पता है क्या है, हाथी हाथी पता है, कभी कभी कई भाई मेरे को प्रचार का बात बोलते हैं फादर जी मेरी जो मिसेस जीवन साथी नहीं है हाथी है। वो मेरे से कर से निकालता है। मेरे को डांटता है कभी, फिर मेरे ऊपर पैर रखा दे, देखो जीवन हाथी ना बनो। क्या बोलो बोलो, जीवन आप लो नो कर्मे राज ना करो, जो भाई कर्मे राज करना, बाइबल में लिखा है जीवन साथी को परमेश्वर ने सोचिया, क्या सोचिया है बोलो भाई, क्यों गुंगा हो गया सब, हालेलुया 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 हालेलुया। हाथी के लिए नहीं है, जीवन साथी सुन लिया नो, साथ देना है। मेरे साथ सिसलो हैं, वो सिसलो मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं। सो हम लोग जीवन साथी, इसलिए प्रभु ने देखिया बंदा गैब्रियल कल्ले दुखी तुर रहे, इसलिए सोचिया गैब्रियल का उम्र भी ज्यादा हो गया, इसके लिए कि जीवन साथी को ढूंढा। इधर बैठा है गैब्रियल की मिसेस। वो हाथी नहीं है, साथी है, जा कभी कभी हाथी भी हो जाती है।
गैब्रियल बोलता सच्चे सो और कुछ नहीं है, हम लोग नो एक सूत्र एक दूसरे का साथ देना है, सुन लिया बच्चे माता पिता का साथ देना, फिर हमको बरकत मिलना है जो परमेश्वर ने इसलिए सोचिया। इसलिए बहन ध्यान से सुनो, बाइबल में लिखा है आप लोग राज नहीं करना, आप लोग सिर नहीं बनना, हमारा घर का सिर हमारा हस्बैंड है, ठीक है, आप लोग उसका शरीर का अंग है। हल्लेलुया हल्लेलुया, फिर घर में बरकत आएगी। इसलिए वचन में लिखा है वो भाई आगे लेता, इसलिए उसको साथ उसको खुश रखने के लिए प्रभु ने एक स्त्री को बना के उसको दे दिया। इसका मतलब हमारा काम की है, हमारा जो हस्बैंड को खुश रखना है, सुन लिया बात, हमारा हस्बैंड को खुश रखना, भाई भी ध्यान से सुनो, हमारी जीवन साथी को भी खुश रखना। ये बंदा बड़ा खुश हो गया, जो आदमी खुश हो गया, आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी जिम्मेवारी है, परमेश्वर ने आपको एक जीवन साथी को दिया है उसको खुश रखना। इसलिए जो इंसान अपना जीवन साथी को खुश रखेगा वो दारू नहीं पिएगा, वो नशा नहीं करेगा, वो प्रार्थना में जीवन साथी का साथ बैठेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया। जूती एक बाके नहीं चलता ना, जूती एक बाके चलता है, हाँ ध्यान से सुना, मैं बोलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ एक जूती जैसे, ये अकेले नहीं चलेगी चर्च में, ये दो में जूती जाना है, क्यों दो में जूती जाना, साफ करना है, हमेशा एक जूती साफ करता है, बहन साफाई हो रही, एक जूती नहीं होता है, हमको परमेश्वर का पास लेके जाते रहना है, जो बच्चे को खुदा का पास लेके जाना। हालेलुया हालेलुया, हाथ उड़ाइए हालेलुया हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने क्या बोला है, आगे वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको क्या बोला, जीवन साथी को क्या बोला है, क्या बोला पता है, क्या बोला, आप नो सब क्या पेड़ दृक का फल खाओ, दृक बोलता है दृक का फल खा रहो, एक का नहीं खाना, क्या नहीं खाना है, एक ने नहीं खाना, सब बाकी सब खाओ। हम लोग क्या करते हैं, सौ पेड़ हैं, एक दा नहीं खाना बाकी सब का खाओ, हम लोग सौ को छोड़ के जिसको मना किया उसका ही फल खाने। इसका मतलब पता क्या, हम देखो शराब पीना मना, हम लोग शराब ही पीना है, देखो चाय पी लो दूध पी लो पानी पी लो, नहीं पीना शराब ही पीना, जो मना किया है पीना है, जो किया नशा ना खाओ वो ही खाना है, तुम्बाकू ना खाओ वो ही खाना है, परमेश्वर ने जो मना किया वो ही कर रहे, इसलिए खुदा हमारा साथ नाराज हो गया। परमेश्वर हमारा साथ हफ्ते में कितना दिन है, हाँ भाई हफ्ते में कितना दिन है, जोर से बोलो, हफ्ते में कितना दिन है, सात दिन, प्रभु ने बोला है छह दिन काम करो एक दिन, हम लोग छह दिन काम नहीं करना, वो जिस दिन मना किया उस दिन ही काम लोग काम करना है, देखिए नहीं हमारी आज फिर कैसे बरकत मिलेगी, जो मना किया है हमको बोला, मैं इसलिए हमारे इलाके में हमारा देश में बोलता है संडे उपवास करना खुदा का दिन है, संडे किसी को शादी पर नहीं रहना प्रभु का दिन है, संडे कपड़ा धोने का दिन नहीं है, जो बाकी दिन काम करना हो संडे को कपड़ा धोने का दिन है ना, कपड़े रिश्तेदार के घर जाने के दिन, इसलिए हमारा घर में ब्लेसिंग नहीं है, हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं है, जो मना किया है वो हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, हाथ उड़ाइए हालेलुया हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो ईश्वर की स्तुति हो। आज प्रार्थना किया, प्रार्थना करो, आज परमेश्वर ने हमको आशीष देना है, आज प्रभु से बोलो, ईश्वर का साथ ईश्वर से बोलो, ए ईश्वर आज से आपका वचन पर मैं चलना है। यौहन का सुसमाचार अध्याय अध्याय 15 वाक्य 7 7 7, हालेलुया हालेलुया, संत यौहन का सुसमाचार
अध्याय 15 वाक्य 7 से प्रभु का वचन हम लोग पढ़ रहे, वचन ध्यान से सुनना है। आज से जीवन साथी हैं, आप लोग ही हमारा जीवन साथी को खुश रखना, हमारे बच्चों को खुश रखना, हमारा परिवार को खुश रखना। एक हस्बैंड जो बाप की जिम्मेवारी है, हालेलुया हालेलुया। बच्चे सोचिया हमारी जिम्मेवारी की है। बाइबल वचन क्या बोल रहे हैं, जो बच्चों ध्यान से सुनो, माँ बाप का जो कहने पर चलेगा उनकी उम्र लंबी है। जो माँ बाप की सेवा करेगा उसकी उम्र लंबी है, हालेलुया हालेलुया। सो इसलिए जो लंबा जीवन गुजारना है, आज से माता पिता की सेवा शुरू करो। जो सस हैं, ससमा क्या बोलते हैं, ससमा जो हैं, सस जो सवरा जो भी है उनकी सेवा करो। मैं कभी कभी सोचते हैं, एक गैब्रियल का एक उदाहरण, चलो गैब्रियल सो जाए, हमेशा मेरे ऊपर आ रहे, कोई काल नहीं गैब्रियल, हालेलुया हालेलुया। गैब्रियल छोटा था, उसकी मम्मी ने गैब्रियल को आग से निकाल लिया, पानी से निकाल, देखिया नहीं कितने प्यार से आपकी पढ़ाई करवाया, सब कुछ किया, आपकी शादी होगी, शादी होगी। आप बोलते हैं मम्मी आप उधर रहो, ठीक है हमको मम्मी का जरूरत नहीं, क्यों रोटी मेरे को देने के लिए मेरी करवाली जीवन साथी आ गई, उन मेरा क्या जरूरत है। देखिया नहीं एक बंदा, मैं कहता इंसान का दिल टूट जाएगा, इंसान का, इंसान का दिल, माता पिता का दिल टूट जाता है। कितने प्यार से लड़के को आग से बजाया, पानी से बजाया, मम्मी ने भूखा रह के इसको रोटी खिलाया, इतना मेहनत करके इसकी शादी करवाई, एकदम माम को भूल गया। ए जड़ी लड़की पता नहीं कितो आ गया, उसने इसका दिमाग में सब कुछ पाया है, ये मम्मी का दूर चल गया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुना, मेरे पास एक बहन आया सी, उस बहन को लेके आ गया, उनका लड़के ने बोला फादर जी ये मेरी मम्मी है, थोड़ा दिमाग खराब है इसका, पागले इसको इधर रखना है। जो छोड़ के चले गए, उसका लड़का बैंकिंग मैनेजर है, बैंकिंग मैनेजर, लड़की बहुत जड़ी, उसकी बहू जो बस बहू मतलब बेटे की मिसेस, बहुत अच्छी नौकरी भी करता है। एक दिन मैं दो दिन के बाद उस माता जी ने मिला, माता जी ने मेरे को बताया फादर जी जो ये लड़का एक साल का था, मेरा हस्बैंड मर गया, मैं दूसरा शादी नहीं किया मेरे बेटे के लिए, घर में गया सफाई सफाई किया, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के इसको पढ़ाई करवाया, अभी बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बैंक में अच्छा नौकरी मिल गया, जो वधिया पोस्ट मिल गया, शादी होगी। अभी मेरा लड़का मेरे को बोल रहे मम्मी आपको देखने के लिए अच्छा नहीं है, देखिया नहीं आपको देखने के लिए अच्छा नहीं, फादर जी देखो मैं कितना मेहनत से इसके लिए सब कुछ किया, आप देखना ध्यान से, ये बहन माँ से। उस बैठे ने बोला है, उस माँ बोल रही है मेरे घर में कोई भी आएगा, उनका कोई दोस्त आ गया, एकदम बोलना शुरू करते है, एक हमारी नौकरानी है, देखो जी मां यूं बोल रहे है दूसरे के सामने, मैं कोई पागल नहीं है, ये लोग मेरे पागल बना रहे, मेरे को पागल खाने में डाल दिया, मैं पागल नहीं है, मैं दुखी है। देखिया नहीं एक माँ ने सब कुछ त्याग के बच्चे को उठाया है, उस बच्चे ने क्या किया है, यही हमारा हालत, मैं बोल रहा यही है हमारा हालत, हालेलुया हालेलुया। आप इसलिए एक बात ध्यान से सुनो, फिर पता है क्या हो गया, इस माता को इतना दुखी किया है, एक बैंक मैनेजर को बच्चा नहीं हो गया, हमारे पास प्रार्थना के लिए आ गया, प्रार्थना के बाद एक को बच्चा हो गया, उसको एक आंख भी नहीं, एक पैर भी नहीं है, प्रभु ने क्या किया है, उसका फल दिया। मैं उस भाई ने बोला देखो तू अपना मां को इतना दुखी किया है, उसका फल प्रभु ने दिया है, परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए जो हम पर बैठे हुए सब भाई बहन ध्यान से सुनो,
हम लोग पाप स्वीकार करने का समय बोलना है। मैं अपने ससुरमानु प्यार से देखभाल नहीं किया। देखो हम लोग जो हमारा माता पिता को प्यार नहीं करेगा, परमेश्वर एक दिन हमको सजा देना ही है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। आजकल देखो कितने परिवार में माता पिता दुखी हैं। आज प्रार्थना करो बच्चों, हमारा जीवन में प्रभु ने आशीष कब देना है? जब आप लोग परमेश्वर का वचन में चलना। वचन बढ़ो, जोन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 17 से। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। हल्लेलुया हल्लेलुया। यदि तुम मुझ में रहो, किस में रहना है? जोर से बोलो, किस में रहना? ईश्वर में, दारू में नहीं, पड़ोसी के कर में नहीं, प्रार्थना में रहना। यदि तुम मुझ में रहो, हल्लेलुया हल्लेलुया। ये उपवास का समा 40 दिन, सेंट जॉन चैप्टर 15 वर्स 17 ऑनवर्स वी आर रीडिंग। यदि तुम मुझ में रहो, और आगे वचन पढ़ो सिस्टर जी, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है। हल्लेलुया हल्लेलुया। मेरी शिक्षा, मेरी प्रार्थना, मेरी शक्ति आपका साथ भी रहेगा। इसका मतलब पता है, प्रभु में रहेगा, प्रभु आपको आशीष देना है। ईश्वर में, ईसा मसीह में जीवन रखना, ईसा मसीह में रहना है। यदि तुम मुझ में रहो, मेरा शिक्षा, मेरी शिक्षा आपका साथ भी रहेगा। प्रभु में रहो, प्रभु ने आपको आशीष देना है। प्रभु में रहो, शराब, दारू, नशा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा प्रभु में रहने के लिए। आगे वचन बढ़ो, तो चाहे ध्यान से सुनना, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। उन ध्यान से सुनो, यदि तुम मुझ में रहे, मेरा सिक्या शिष्या जो भी मेरा वचन आपका साथ रहेगा। ध्यान से आगे वचन, आगे वचन क्या है? आपका मन में जो सोच है प्रभु पूरा करेगा। ना मंगो, आपका मन की इच्छा परमेश्वर ने पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। संधि योहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 से हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि तुम मुझ में रहो, मुझ में ईसा में रहना है। यदि तुम ईसा में रहेगा, आगे वचन किए, और तुम में मेरी शिक्षा, मेरी शिक्षा बने रहेगा। हालेलुया हालेलुया। ईसा में रहना है। मैं इसलिए बोला, मेरे को कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी का साथ भी कोई दोस्ती भी नहीं रखता। मेरा दोस्त मेरा प्रभु यीशु है। दोस्ती रखिएगा, कभी कभी पड़ोसी फादर लोस बुलाएगा, हमारा जन्मदिन है, मैं बोला मैं नहीं आएगा। मेरे को कोई जन्मदिन का कोई मतलब नहीं है, क्यों? प्रभु ने मेरे को इस धरती पर भेजा है, मैं उनसे नहीं मंगा, मेरे को भेज दो, फिर मैं क्या करने के लिए जन्मदिन मनाना। मेरा एक ही मतलब है, इसलिए प्रभु ने मेरे को इस धरती पर भेजा है, उसका वचन सुनाओ। हालेलुया हालेलुया। आपको भी परमेश्वर इसलिए ये पृथ्वी पर भेजा है, उनका काम करते रहो। हालेलुया हालेलुया। किसका काम करना है? ईश्वर का काम, उसका साथ रहना है, उसमें जीना है। आगे वचन बढ़ो सिस्टर जी, तो चाहे चाहो और मंगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आपका मन में इच्छा है, हो जाएगा। मैं एक बहन आके मेरे को बोला है, फादर जी मैं नर्सिंग पास हो गया, बाहर जाने के लिए कोशिश करे। मैं कहता आपका मन की इच्छा नो, वो इच्छा पूरा होएगा, परमेश्वर करेगा। कब? ईश्वर ने करना है, ईश्वर का वचन भर रहे हो। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। आराधना का समय है, आराधना का वचन गाऊंगा, प्रार्थना करो, ईश्वर हम पर दया कीजिए।
आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो आकाश धरती का सृजन हार तू आकाश धरती आकाश धरती का सृजन हार तू आकाश धरती का सृजन हार तू आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु तेरी वचन है संदियों का सुसमाचार अध्याय 2 से प्रभु का वचन पढ़ना है सो प्रभु ने क्या बोला है जो नौकरानु जो सेर्वेंटनु बोला है जो गेट पर पड़ा है जो मड़का है मड़का बोलता है क्या बोलते हैं ठीक है उसको ले गए हम रख लो कितना आ गया 6 उसमें पानी डालो जो ऊपर तक पानी डालो प्रभु ने पानी को रेखा है पानी वचन सुना है जे परमेश्वर ने बोला है पानी निकालो दे दो पानी पानी क्या बन गया बोलो क्या बन गया अंगूर रस बन गया जो पानी उसमें डाल रहा था नीचे गिर गया वो अंगूर रस नहीं बन गया इसका मतलब पता है क्या जो नीचे गिरेगा प्रभु का वचन नहीं सुनेगा उसका जीवन नहीं बदलेगा परमेश्वर ने पानी को देखा है पानी का रूप बदल गया आप प्रार्थना करो यीशु मेरे पास जो मोमबत्ती है यीशु देखो मेरे पास पानी है तेल है ये यीशु देखो मेरा बिजनेस जो भी आपका शॉप है जमीन है आपका बच्चे हैं अस्पताल में जो बीमार लोग हैं आज प्रार्थना करो यीशु इनको देखो हल्लेलुया हल्लेलुया हाथ उड़ाइए हल्लेलुया हल्लेलुया ईश्वर की स्तुति हो ईश्वर की स्तुति हो ईश्वर की स्तुति हो ईश्वर की स्तुति हो हल्लेलुया हल्लेलुया मैंने एक दिन शुरू में
जब मैं प्रार्थना शुरू किया है, मेरे को इतना जानकारी नहीं था। संडे तीन दिन का साधना, वहां पर तीन दिन की प्रार्थना चलता है, संडे सब चल जाता है, मैं अकेले था। मैं देख रहा हमारे एक हॉल में प्लेट ऊपर जा रहे, प्लेट थालियां ग्लास ऊपर जा रहे। मैं सोचा अंदर कोई कुत्ता गया है, क्योंकि दरवाजा उतना अच्छा नहीं था, कोई कुत्ता गया। मैं जाके देख गया, आधा ग्लास उधर, प्लेट उधर, सब कुछ इधर है, कोई कुत्ता नहीं है। फिर जाके मैं लेट गया, मेरे को थोड़ा डर आ गया, मैं अकेले था, सिचलो नहीं था वो समय। फिर मैं लेटना शुरू हो गया, फिर ये प्लेट सारे ऊपर जा रहे, अपने आप ऊपर जा रहे। फिर मैं आके देखा कुछ नहीं है, इधर उधर प्लेट पड़ा है। मैं सब इसको एक बोरी में डाल के बंद करके रखा, बाद में ये ही हो रहे। मेरे को पता लगा जो शैतान आज निकल गया है वो मेरे को तंग करना शुरू हो गया। उसके बाद हर रविवार को प्रार्थना के बाद में जो हमारा आश्रम था, ब्लेसिंग शुरू किया है। जब मैं लुधियाना था, ब्लेसिंग शुरू किया है, फिर मेरे को शांति मिल गया। मेरा कहने का मतलब यही है, आज तुमसे निकल जाना, वक वक जो किस्म था अलग अलग शैतान है। कई शैतान तुम्हारे शराब पीने के लिए प्रेरणा देता है, निकल जाएगा। कई गुस्सा करने के लिए, कई गलत काम करने के लिए, कई नशा करने के लिए शैतान अलग अलग टंग नाल हमारा परिवार को दुखी करेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसको बोलता है शैतान दा अलग अलग रूप। देखो यीशु का पास प्यार नाल शैतान गया। वो कैसे गया, कैसे गया यीशु का पास? यीशु का चेले में गया है। पत्रोस ने यीशु को बोला आप मरना नहीं है, आप मरना नहीं, हमको आपका जरूरत है। फिर यीशु ने क्या किया, शैतान मेरे से दूर हो जा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। शैतान किसका रूप में गया है, बोलो किसका रूप में गया, बोलो। प्यार का रूप में शैतान किसका रूप में यीशु का पास आ गया, पेत्रुस का रूप में, चेला शिष्यों को रूप में। संडे आपका घर में शैतान आएगा, आपका कोई मम्मी आएगी, मैं बहुत दिन से बाद आ जा, आप चर्च ना जाओ। देखो कितना प्यार कर रहे शैतान। आप बोला आपकी सस आ गई जो देखो जो मैं कितना दिन के बाद आ जाएगा, आज मेरे को छुट्टी मिल गई इसलिए आज चर्च ना जाओ। बोलो मां नु बोलो, ससनु बोलो, शैतान अप्पा चलिए चर्च में, चलिए उनको भी चर्च में लेके आना। हमको नहीं पता है जो शैतान यीशु का पास जाके 40 दिन में रोजा रखा, 40 दिन शैतान क्या बोला है, यीशु आप बहुत काम करना है, आप बहुत पतला हो गया, उदास हो गया, ए पत्र को रोटी बना के। कितना प्यार शैतान कर रहे हैं। कभी कभी भाई लोग उपवास करेगा, आपकी मिसेस भी बोलेगा जो बस करो जी उपवास, ये क्या करना, तुम काम नहीं करना, तेरा कोई बच्चा नहीं, इनको कौन सामना है। बोलो शैतान मेरे से दूर हो जा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। सो आज प्रार्थना करो, शैतान आपको प्यार करेगा। कई लड़की लड़के को प्यार करेगा, लड़का लड़की को शैतान काम कर रहे। सोच लो आज से मैं अपने दिल को साफ रखना है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हाथ उड़ाइए, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु की स्तुति करना है। हम लोग पवित्र आत्मा का भजन गाएगा और आपका जीवन से शैतान निकल जाएगी जिंदगी, आपका जीवन में खुदा की आशीष आएगी। जब दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, कमर में दर्द दूर हो जाएगा, जो कैंसर दूर हो जाएगा, जो गुर्दे की बीमारी दूर हो जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। एक लड़का था जिसको एपिलेप्सी थी। एपिलेप्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिर्गी का दौरा बोलते हैं। जो दौरा पह रहा था, जब शैतान निकल गया, बंदा ठीक हो गया। देखो उसको माँ बाप पता नहीं कितना अस्पताल में ले गया, शैतान निकल गया और ठीक हो गया।
एक बच्चा था वो बोल भी नहीं सकता सुन भी नहीं सकता, जब शैतान निकल गया वो बोलना भी शुरू हो गया सुनना भी शुरू हो गया। इसका मतलब शैतान वक वक रू में झुठात्मा हमको तंग कर रहे। हल्लेलुया हल्लेलुया, हाथ उड़ाइए हल्लेलुया हल्लेलुया, ताली बजाइए ताली बजा के। उतरा उतरा दोनों हाथ उड़ा के यीशु आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, कमजोर दिल को भरपूर करके रजा, हाथ लगे शो भरपूर करके रजा, उतरा 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 मेरे पास उतरा, ओ यीशु ये सब भाई बहन का पास जा रहे हैं, इन लोग यीशु को पकड़ के ही बोलना प्रभु आप मुझको चंगा करो, इनके सब बीमारी आज दूर होने के लिए जा रहे हैं। देखो आपके सामने इंस्टेंट हीलिंग, किडनी कैंसर सब प्रभु का सा प्रभु ने आज इनको चंगाई दे रहे। हल्लेलुया हल्लेलुया। सो जो तुम इनके आले दुआले चलते ही रहेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो जितने चेर बीमारी कदनी हो गया उतने चेर इनके आले दुआले तुम चलते रहेगा। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। असी हम लोग भजन गा के प्रभु की स्तुति करना, आप इनके लिए प्रार्थना करो और आप अपना अपनी आंख को खोल के देखो, जैसे इनका पास जा रहे वैसे आप भी दिल में बोलो यीशु मेरे पास आ जाओ, अदो मैं और मेरे को आशीष दे रो। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, हाथ उड़ाइए हल्लेलुया हल्लेलुया, हल्लेलुया जाके जीसा हल्लेलुया। मिला ये सुना मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, ये सुना मिला ये सुना मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, ये सुना मिला ये सुना मिला मेरा जीवन सवर गया, जीवन सवर गया, तालियां सब मिल के जोर से, ये सुना मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को बचा लिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से तेरे लहू से
यीशु नाम मिला, इस नाम मिला मेरा जीवन सवल गया, मेरा जीवन सवल गया। हल्लेलुया स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे, हल्लेलुया स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा साथ मिलेगा कभी न छोड़ेगा, आशीष वो देगा साथ मिलेगा कभी न छोड़ेगा। हल्लेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हल्लेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। यीशु की स्तुति यीशु की आराधना करते रहिए। Hallelujah! 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 Hallelujah!